स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा रिफॉर्म ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे उसमें निश्चित रूप से इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कमी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में था और इसलिए करीब 18 राज्यों के मंत्रियों ने इसका समर्थन किया है, वो अलग अलग पार्टी के हैं, तो इसमें यूनैनिमिटी आई, ये इसकी विशेषता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसके साथ ई गवर्नेंस पूरा आएगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक, और रोड सेफ्टी के लिए रोड में भी वीडियो कैमरे से लेकर रोड के जो नियम है उसके बारे में जो कानून के प्रति सम्मान भी नहीं था और डर भी नहीं था, ऐसी स्थिति थी। इसके एक्ट के बाद कानून के बारे में सम्मान पैदा होगा और गुनाहों की संख्या कम होगी और जिसके कारण अनेक निरपराध लोगों की जान बचेगी। मुझे लगता है कि रोड सेक्टर को बिल्कुल एक नया रिफॉर्म इस एक्ट से मिला है और जिस प्रकार से 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसको पास करने में जो यूनैनिमस रिपोर्ट मुझे दिया है उसी के आधार पर पार्लियामेंट में सभी पार्टियों से सहयोग मिलकर इसी सेशन में पास होने में सबकी मदद मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।